स्टडी तो जैसे हम क्वाइन टॉस करते हैं, क्वाइन टॉस करेंगे तो क्वाइन जब हम थ्रो करेंगे तो या तो जो मतलब अपसाइड होगी या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, हमने क्वाइन टॉस किया या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हम सेकेंड टाइम फिर से क्वाइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा? सपोज करो फर्स्ट टाइम में हेड आया, फर्स्ट टाइम में क्या आया? हेड। फर्स्ट टाइम में हेड आया और सेकंड टाइम में क्या आया? आपने क्वाइन टॉस किया, हेड आया। सेम सर्कमस्टांसेस में सेम क्वाइन को आप दोबारा से टॉस कर रहे हो तो क्या आ जाता है? टेल। फिर थर्ड टाइम आप टॉस करते हो तो क्या आ जाता है? टेल। फिर क्या आ जाता है? टेल आ जाता है। फिर से टॉस करते हो, हेड आ जाता है। क्या इनमें कोई ऑर्डर है? कोई ऑर्डर नहीं, ठीक है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट आप बार बार रिपीट कर, और हर बार रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस ऑफ कि क्या आएगा आप नहीं बता सकते, हेड आएगा या टेल आएगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, रेंडमली कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आप एक बात बताओ, केमिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम सर्कमस्टांसिस में, H2+O2 क्या बनता है? H2O ही बनता है ना। सेम सर्कमस्टांसिस में अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे तो क्या कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। लेकिन क्वाइन को, सेम क्वाइन को आप सेम सर्कमस्टांसिस में बार बार थ्रो कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बोला जाता है बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल आप लिख सकते हो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, ठीक है, या फिर थ्रोइंग ए डाई, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी है। तो रैंडमली रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं इनको? कि आपने रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसके रिजल्ट्स भी रैंडमली, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट करेंगे उससे रैंडमली रिजल्ट्स कुछ भी आ सकते हैं। आप डाई रोल कर रहे हो, आप डाई पे 1 आया, हो सकता है सेकंड टाइम में 6 आ जाए। कब 6 आएगा और कब 1 आएगा आप नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम अगर हम एक सिंगल क्वाइन थ्रो करते हैं, एक सिंगल क्वाइन थ्रो करते हैं तो पॉसिबल हम पॉसिबल रिजल्ट्स जान सकते हैं कि क्या आएंगे। तो एक सिंगल क्वाइन थ्रो करेंगे तो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या आएंगे बताओ जरा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। और शायद आपको ऐसे नहीं लिखवाते हो बट आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के, और अगर आप इसके आगे ऐसे लिखते हो तो बहुत भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। आप इसके आगे अगर एस भी लिख देते हो तो और अच्छा है, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ठीक लगे तो लिख लेना, अच्छा लगे तो मत लिख लेना, लेकिन हाँ अगले साल तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एस जैसे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं इनको बोलते हैं आउटकम्स। जैसे आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन टॉस किया, जो पॉसिबल रिजल्ट्स इन पॉसिबल रिजल्ट्स को क्या कहा जाता है? आउटकम्स। इन पॉसिबल रिजल्ट्स को कहा जाता है आउटकम्स। और सारे आउटकम्स को इकट्ठा एक ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे लिख दें, सभी आउटकम्स को पॉसिबल आउटकम जितने भी हैं और आगे किसी ऐसे, तो ये सेट बन जाता है, ठीक है। आप अगर नहीं भी लिखोगे तो टेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे आपने डाई रोल की तो डाई पे पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो ये सब क्या है? पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट बन, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस। क्या कहा जाता है इसको? सैंपल स्पेस, राइट। क्या है ये? सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ
ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस क्या होता है? ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स आप समझ गए, क्वाइन को आपने टॉस किया तो दो पॉसिबल आउटकम होते हैं अगर आप एक सिंगल क्वाइन टॉस करते हो। ठीक है, आप एक सिंगल डाई रोल करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आप दो क्वाइन टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? या तो दोनों क्वाइंस पे हेड आ सकता है, या एक क्वाइन पे हेड आ सकता है फर्स्ट पे और सेकंड पे, क्या सॉरी फर्स्ट पे टेल आ जाए और सेकंड पे हेड आ जाए, या फिर फर्स्ट पे हेड आ जाए और सेकंड पे टेल आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों के ऊपर टेल आ जाए। सो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं और इनका मैंने ये क्या बना दिया, सेट। ठीक है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स का सेट है उसको क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। राइट, अगर आप ये इतना नहीं भी लिखेंगे ये वाला पोर्शन तब भी आपका ठीक है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या आपको ये आउटकम्स लिखने आ गए सारे? चलो मैं आपको कुछ आउटकम्स लिखने के लिए बोलता हूँ। अगर तो डाइस, अगर एक क्वाइन को हमने टॉस किया, ठीक है, क्वाइन को टॉस किया तो क्या आएगा बच्चों? हेड या फिर टेल। अगर क्वाइन पे हेड आता है, एक क्वाइन क्वाइन पे हेड आता है, या पहले हम ले लें, हम क्वाइन को तीन बार टॉस कर रहे हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? फर्स्ट टाइम हमने टॉस किया तो क्या आएगा, हेड या टेल? सेकंड टाइम टॉस किया तो हेड या फिर टेल? यहाँ पर भी या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। फर्स्ट टाइम में हेड आ गया, हमने कॉइन को दोबारा टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है फर्स्ट टाइम में टेल आया, सेकंड टाइम हमने टॉस किया तो या तो हेड आ गया या टेल आ गया। अब हम थर्ड टाइम टॉस करेंगे, मान लो पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, और थर्ड टाइम में भी क्या आ रहा है, सॉरी थर्ड टाइम में क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर सेकेंड टाइम में टेल आया था तो अब हेड भी आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी टाइप से या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यहाँ पर भी हेड या फिर टेल कुछ भी आ सकता है। तो क्या आप मुझे पॉसिबल आउटकम्स बता सकते हो क्या क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स बता सकते हो क्या क्या होंगे? या तो तीनों बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड हेड हेड, या हो सकता है पहले दो बार हेड आया और फिर टेल आ गया, तो हो गया हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, या हो सकता है टेल टेल हेड, टेल टेल फिर हेड, या हो सकता है टेल टेल एंड देन टेल। पार्ट में क्या चेक करोगे, क्या ये आठ आउटकम है? ये पॉसिबल आउटकम, क्वाइन को अगर आप तीन बार टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? ये और काउंटिंग में ये आप चेक करोगे तो आप ये एट मिल जाएगा। आपने जो दो वाला पीछे लिखा था उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट टाइम में आपके पास हेड या टेल, सेकंड टाइम में आपके पास आइदर हेड और टेल, यहाँ पर भी सेकंड टाइम में या तो टेल या फिर हेड, आप इसको लिख सकते हो एच एच, दिस इज एच टी, दिस इज टी टी, दिस इज टी एच।
अगर दो बार, हाँ दो क्वाइन को आपने दो बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एच टी टी एच टी टी और एच एच। आप क्या पूछ रहे थे? ऐसे ही लिखना जैसे मैं, वैसे मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा, फिर मैंने बोल दिया जैसे मैंने लिखा। ठीक है चलें आगे। इनको लिखने का एक और मेथड भी होता है, सिंगल क्वाइन के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। दो के केस में देखो, एक बार क्वाइन को टॉस करते हैं तो दो आउटकम्स आते हैं, कौन कौन से, हेड या टेल। ठीक है, एक बार टॉस किया तो दो आउटकम्स हैं, दो बार टॉस करोगे तो टोटल आउटकम्स बनेंगे आपके फोर। अगर क्वाइन को आपने दो बार टॉस किया तो टोटल आउटकम्स आपके कितने होंगे, फोर। लिख लो एक साथ साथ, टोटल आउटकम्स आपके क्या होंगे, फोर होंगे। इस उन फोर आउटकम्स को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने ये लिखा, मैं दो बार एच लिखूंगा और दो बार टी लिखूंगा, उसके बाद एक बार एच एक बार टी फिर एच टी, ऑल्टरनेट आपको एच और टी लिखना है। तो वो जो चार आउटकम्स होंगे आपके वो क्या होंगे, एच 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 टी टी एच एंड टी टी। दो बार करेंगे तो ये बने जो हमने पीछे भी लिखे थे, ठीक है, वो ट्री वाली शेप से भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्वाइन को अगर तीन बार अगर आप टॉस करेंगे, क्वाइन को आप थ्री टाइम टॉस करते हैं, फर्स्ट टाइम में टू आउटकम, सेकेंड टाइम में टू आउटकम, थर्ड टाइम में टू आउटकम, एट आउटकम्स आए। अब आप ये मत पूछना कि मल्टीप्लाई क्यों, ठीक है, बट ये समझ लो कि मल्टीप्लाई से ही आता है। ठीक है, टोटल एट आउटकम्स आएंगे। ठीक है जी, अब ये एट आउटकम्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, चार बार एच लिखेंगे, फोर टाइम एच फोर टाइम, फोर टाइम एच फोर टाइम, फिर आप ट्वाइस एच लिखेंगे एंड टू टाइम्स टी लिखेंगे, फिर टू टाइम एच एंड टू टाइम, फिर ऑल्टरनेट एच एंड एच एंड एच एंड एच। सो क्या क्या आ गए, एच 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 थ्री टाइम अगर आप क्वाइन को टॉस करते हो तो एच 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 टी टी एच एच, नहीं क्या था, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी। लिख लो भी, दो तीन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अगर आप डाई रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे, डाई पे क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो डाई पे कोई भी नंबर आ सकता है। जब डाई रोल करेंगे, सिंगल डाई को रोल करते हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है। अगर आप एक क्वाइन और एक डाई रोल करते हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, कौन बता सकता है, एक क्वाइन और एक डाई, पहले क्वाइन टॉस किया फिर डाई रोल, क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। एच टी, हाँ टोटल 12 आउटकम्स होंगे, क्वाइन पे 2 और डाई पे 6, टोटल 12 आउटकम्स होंगे।
ठीक है। देखो पहले या तो क्वाइन पे एच या फिर डी आएगा। अब क्वाइन पे इसको दोबारा टॉस किया तो वन आ सकता है, अब डाई को रोल करेंगे तो वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स आ सकता है। सो सैंपल स्पेस क्या होगा? एच वन, एच टू, एच थ्री, एच फोर हो सकता है, एच फाइव हो सकता है, एच सिक्स हो सकता है, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स। ठीक है, समझ आया? इस टाइप से आप टोटल आउटकम्स चेक कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे, देखो बच्चों। सर सबसे पहला काम है आपको, जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, वो क्या क्या होंगे, ये आप पता लगा, ठीक है, वो सब पता लगा लोगे। अच्छा सपोज एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, क्वाइन का ही एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्वाइन को टॉस किया, एक सिंगल क्वाइन को, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड या फिर टेल। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड या टेल, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, टू। क्या लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसी को ये समझ नहीं आए तो वो ये लाइन लिख सकता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू। मैं आपसे कहता हूँ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी। सो नंबर ऑफ आउट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हैं, हेड यहाँ पर कितनी बार है, हेड यहाँ पर जितनी बार होगा वो आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए, मैंने जब मैं जैसे मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ, वैसे इसको बोला जाता है इवेंट। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड, आपको हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए कितने हैं, वन है, सही ये वाली लाइन लिख दो, सही ये वाली लाइन, नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू ए, ठीक है बच्चों। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ए के जगह सीधा क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड। क्या होती है बच्चों ये, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू ए, जो ए को फेवर कर रहे हैं, ए मतलब गेटिंग ए हेड, हेड को फेवर कर रहे हैं, ऐसे आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस में सिर्फ एक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कहें या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहें, दिस इज एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना है बच्चों, वन। ठीक है, अब अगर किसी के सर ऐसे लिखवा देते हैं एक लाइन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैड इज इक्वल टू वन बाई टू, तो ये मत कहना हमारे सर ने तो बहुत छोटा सा करवा दिया या हमारी मैम ने तो बहुत छोटा सा करवाया, लिखा हमने भी वही है। ठीक है, बस ताकि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता हो इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी। ठीक है, चलें आगे। तो ये हाफ आया, ये सबको समझ आ गई, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड करते हो तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ये कहें या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, चलें आगे बच्चों। देखो जरा, जैसे बच्चों हमने एक डाई रोल की, डाई रोल की और डाई पे नंबर्स क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके क्या हैं टोटल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमने डाई रोल की तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ए है गेटिंग वन ऑन द डाई, गेटिंग वन ऑन डाई, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए बताओ जरा। गेटिंग वन ऑन द डाई मतलब डाई पे वन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुए वन। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चों, और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या होती है, गेटिंग वन ऑन डाई क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं गेटिंग थ्री ऑन द डाई, गेटिंग थ्री ऑन डाई, डाई पे थ्री आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सो क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या फिर गेटिंग थ्री ऑन डाई, गेटिंग थ्री ऑन डाई, तो कितना होगा, वन बाई। समझ आया आपको, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन फाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन फाइव, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, फाइव से ग्रेटर का नंबर का मतलब क्या आना चाहिए, सिक्स आना चाहिए, सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। क्लियर है सबको, सी आप। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कर लोगे तो सिंपल है, थोड़ा आगे बढ़ो। फिर से वही एस क्या है,
हमने डाई का ही केस लिया है, 1 2 3 4 5 6 डाई को रोल करेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन और टू, गेटिंग वन वन और टू ऑन द डाई। तो यहाँ पर आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर आपके? टू हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आप आउटकम्स कितने हैं? सिक्स। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मैं अगर इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिखता तो मैं कैसे लिखता? जैसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर वन और टू ऑन द डाई, तो मैं ए डिफाइन करता पहले कि ए क्या है, गेटिंग गेटिंग वन वन और टू ऑन द डाई। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ए, ए में क्या पूछा है कि वन और टू, मतलब इनके आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ए को फेवर करने वाले आउटकम्स कितने हैं? दो। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? दो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सिक्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आप उसके जगह टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ए में ए को फेवर करने वाले दो हैं और इसमें टोटल कितने हैं? सिक्स, वन बाई थ्री। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर ऑन डाई, इवन नंबर ऑन डाई। सो इवन नंबर का मीनिंग क्या है भाई? टू फोर सिक्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई जो बी को फेवर कर रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एन एस। तो बी को फेवर करने वाले तीन हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सिक्स हैं। तो क्या आ गया? हाँ, समझ आया। ठीक है, अगर सी में आपको लिख देता हूं गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर लेस देन फाइव ऑन द डाई, तो सी में क्या होगा भी? आपको हो सकता है एग्जाम में ये सी वगैरह ना आए, सीधा ऐसा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन फाइव। ठीक है, हाँ, तो लेस देन फाइव वाले नंबर बताना, वन टू थ्री फोर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी बताओ जरा? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फोर। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सिक्स, टू बाई टू। समझ आ गए सबको? ठीक है, अब बच्चों कॉइन का केस ले लेते हैं। एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग टू हेड, टू हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी बताओ? नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू ए, गेटिंग टू हेड का मतलब क्या है भाई? क्या आना चाहिए आपके पास? हेड हेड आना चाहिए। तो हेड हेड तो एक ही बार है हमारे पूरे सैंपल स्पेस में, सारे आउटकम्स में, सभी आउटकम्स को अगर ध्यान से देखें तो सभी आउटकम्स में एक बार ही हेड हेड है। तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स वन है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वन बाई फोर, क्योंकि हेड हेड सिर्फ एक बार है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
चलो एक और पूछता हूँ आपसे, बताओगे ना? ओके, आपसे नहीं पूछेंगे, किसी और से पूछ लेंगे। आइदर टू हेड और टू टेल, आइदर टू हेड और टू टेल, सो ये क्या होगा? या तो दो हेड या फिर दो टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दिस इज 2/, चलो सी है एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पॉसिबल एटलीस्ट टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? कम से कम दो हेड, कम से कम दो हेड कितनी बार है भाई? HH, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी? 1/2। तो नहीं आ सकते बेटा, डी बताओ। एट मोस्ट टू टेल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। एट मोस्ट टू टेल, यस गलत, देख लो सोच के बताना है, गलत हो सकता है और नहीं। 1/4 श्योर, लॉक कर दिया जाए, लॉक नहीं खुलेगा बाद में। यस 1/4, 1/4 समायरा, अरे मैंने सुन नहीं किया, बता दे। एट मोस्ट टू टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? एट मोस्ट टू टेल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, नहीं 1/4 सर, 1/2 सर, क्योंकि बाकी में भी तो एक ही टेल आ रहा है ना। एट मोस्ट टू टेल मतलब दो टेल ज्यादा से, एक ही टेल तो है, दो टेल साथ में आने चाहिए। मोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो टेल, दो या दो से कम टेल, दो या दो से कम टेल, जीरो टेल, दो या दो से कम टेल का मतलब है जीरो टेल, यानी कि एच एच, एक टेल एच टी, एक टेल टी एच, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दो टेल, यानी कि दो एट मोस्ट टू टेल, एट मोस्ट टू टेल, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, यानी कि दो या उससे कम टेल, दो या उससे कम टेल, यानी कि टेल कितने होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए, यानी कि दो या दो से कम होने चाहिए, जीरो हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, दो या दो से कम टेल, इट मीन्स जीरो टेल, वन टेल, टू टेल। सर टू टेल वाला भी, टू टेल वाला भी लेंगे, यहाँ पर टू टेल्स भी आएगा। और अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई? अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? इन सबकी फेवरेबल आउटकम्स चार हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं? फोर डिवाइडेड बाई फोर, दैट इज, ठीक है, तू बता वही कर, ठीक है, समझ आया? ठीक है बच्चों, अगला बताओ। एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, हेड या टेल कर रहे हैं, एच एच, एच टी,
टी एच टी टी टू बाय टू बाय फोर वन बाय टू एट मोस्ट एट मोस्ट वन हेड एट मोस्ट वन हेड थ्री बाय फोर क्योंकि टी टी में भी तो एक भी हेड नहीं है तो थ्री बाय फोर पहले ये लिखा करो तब अच्छे से डिसाइड कर पाओगे थ्री बाय फोर फाइनल मैंने कहा एट मोस्ट वन हेड ज्यादा से ज्यादा वन हेड ज्यादा से ज्यादा वन हेड तो हेड कितने होने चाहिए जीरो या फिर वन जीरो हेड का मतलब टी टी वन हेड का मतलब एच टी और वन हेड का मतलब टी एच तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी थ्री बाई फोर बेहतरीन चलो ठीक है बच्चों थ्री कॉइन के केस पे आ जाओ एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी एंड टी 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 देखो लिसन प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको बतानी है टू हेड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स थ्री क्वेश्चन ये होगा थ्री कॉइन आर टॉस ध्यान से सुनो बच्चों तीन कॉइन को एक बार टॉस करें या एक कॉइन को तीन बार टॉस करें बोथ आर सेम थिंग सुना नहीं आप एक कॉइन को तीन बार टॉस करें या थ्री कॉइन्स को एक बार टॉस करें बोथ आर सेम थिंग ठीक है आपको बताना है प्रोबेबिलिटी थ्री कॉइन्स को हमने थ्री कॉइन को टॉस किया है ठीक है ये हमारा टोटल आउटकम्स है ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया ठीक है आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू है सबसे पहले या नहीं सब ये क्वेश्चन नोटबुक में लिखेंगे पूरा लिखेंगे टू हेड आप यहां से टू हेड वाले ऑप्शन उठाओ टू हेड और है कोई नहीं बस और अब इसका आंसर बहुत सिंपल सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू हेड का मतलब एग्जैक्टली टू हेड पहले दो चलो आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स ज्यादा जल्दबाजी नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स वाले ऑप्शंस लिखो टीटीएच टीटीएच टीएचटी एचटीटी टू टेल्स में कितने होंगे ऑप्शन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी थ्री बाई एट ठीक है एटलीस्ट वन हेड एटलीस्ट वन हेड एट लीस्ट वन हेड एट लीस्ट वन हेड कम से कम एक हेड यानी कि एक या उससे ज्यादा वन टू थ्री हेड वाला ऑप्शन लेना वन हेड वाले सर्च करो पहले वन हेड वाले कितने बच्चों ये तीन है टी टी एच टी एच टी एच टी टी वन हेड वाले हो गए दो हेड वाले लो अब दो हेड वाले लो एच 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 टी एच टी एच एच टी एच टी एच एच दो हेड वाले हो गए अब ट्रिपल हेड वाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी होगी क्या होगी
7/8 फिर से गलत जल्दबाजी और बिना आप ये ऊपर का कॉपी करो। चलो फिर मैं मिटाई देता हूँ कॉपी। सभी नोटबुक में लिखो। क्या लिखना था क्या? जल्दी करो। सभी लोग लिख रहे हैं ना पूरा? ठीक है। चले आगे। सी लिख के करेंगे सभी, कोई नहीं बोलेगा, लिख के पहले आंसर निकालेंगे, फिर जब मैं पूछूंगा जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सबकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए, मैं नोटबुक में ही चेक करूँ। सबसे पहले सी में कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो लिखने हैं, बिना उसके लिखे कोई नहीं। आइदर वन हेड और वन टेल। चलो आइदर टू हेड और टू टेल का आंसर आ गया। पक्का? मैं चेक नहीं करूंगा। चलो अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे और अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, कार्ड पे जाने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता था आपको, वापिस डाई के केस पे आ जाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। लिसन बच्चों, ऐसा है जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 2, 4, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर मतलब मैं किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ? 2, 4, 6। और आपको भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? Probability of 3/6 that is equal to, correct? Yes. ठीक है बच्चों, एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट जो आप मुझे देते रहते हो रोज। सर फॉर एग्जाम्पल जो वो आप नए नए बनाते रहते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अब ये थोड़ी देर में दिखा दूंगा कौन से कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, नहीं नहीं वो थोड़ी ज्यादा फास्ट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट देखो जरा, ये ए है तो बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट इसको डिनोट करेंगे हम ए डैश से या फिर ए सी से, ऐसे लिखते हैं। और वो क्या होता है, जैसे ये है ना 2, 4, 6, ध्यान दो भाई, ये 2, 4, 6 इसको छोड़ के इसका बाकी पोर्शन,
टोटल आउटकम्स का बाकी पोर्शन इसको छोड़ दो आप, तो क्या होगा वो 2, 4, 6, तो बचेगा 1, 3 और 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगी बच्चों, बताओ जरा, ठीक है। ये तो हमने ऐसे निकाली है, इसका एक तरीका और होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो जरा क्या हाफ है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये भी हाफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इनका सम हमेशा 1 के इक्वल आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, देखो हाफ प्लस हाफ 1 बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल आएगा। हम एंगल्स में भी तो ऐसे डिफाइन करते थे कि मान लो ये एंगल एक्स है, तो ये बचा हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट है। वो 90 के रेफरेंस से होता था कि ये एक्स है तो बचा हुआ पार्ट इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी ये अगर एक्स है तो इसका बचा हुआ पार्ट इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। मतलब रिमेनिंग पार्ट जो उसको पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट। और सप्लीमेंट क्या हुआ, सप्लीमेंट में एक्स्ट्रा आ जाता है, डाइट के साथ सप्लीमेंट भी ले लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा। चलो बच्चों, ए प्लस ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल हो गया। अगर मान लो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो होती है, और आपके पास सिर्फ ए की प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी से ही फाइंड कर सकते हो, या फिर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, सॉरी, और आपको ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन हो और ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। चले आगे, नोट डाउन करो। टोटल 52 कार्ड्स, और इस 52 में 26 रेड एंड 26 ब्लैक, ब्लैक सिलेक्शन कार्ड्स को देख के करें, ठीक है। इस 26 में क्या होता है भाई, और इस 26 में क्या होता है, हार्ट और क्या, हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब, ठीक है। बाकी का करेंगे अगली क्लास।